जी दोस्तों, आज इंक्यूबेटर का 9वां से 10वां दिन है। ये देखें एग्स की तरतीब, देखें डेली में से 2 दफ़ा चेंज कर रहा हूँ। और ये जो डिवाइस पड़ा हुआ है, थर्मोस्टेट पड़ा हुआ है, सॉरी हाइग्रोमीटर पड़ा हुआ है, इधर जो टेम्परेचर शो हो रहा है 38.8 है। पहले भी मैं बता चुका हूँ, जो टेम्परेचर होता है ना बेस्ट फन ये होता है 37 सेल्सियस से लेके 39 होना चाहिए। ये फ़ैन लगा हुआ है, 2 बल्ब लगाए हुए हैं, एक 200 वाट का, एक 100 वाट का, दोनों पे टेम्परेचर सेट किया हुआ है। इसमें ना थोड़ी सी चेंजिंग मैंने की है अपने इंक्यूबेटर में ना, पहले मैंने नीचे अंडे रखे हुए थे, अब मैंने उसको उठा के ना ये बास्केट रखी है, बास्केट में अंडे रख दिए हैं। और बास्केट के नीचे 2 बाउल रखे हैं, प्लास्टिक के डब्बे रखे हैं, प्लास्टिक के बर्तन रखे हैं जिसमें ना पानी डाला है, क्योंकि ह्यूमिडिटी कम आ रही थी, इस वजह से मैंने ना पानी इसके नीचे ज़्यादा रख दिया अंडों के नीचे। बाकी आपके सामने है, 9वां से 10वां दिन है। इंशाल्लाह जैसे इसका रिज़ल्ट आएगा 22वें 23वें 21वें दिन, तो मैं आपको ना दिखाऊंगा कि कितने बच्चे इसमें से निकले हैं, चूजे निकले हैं। ये जो डिवाइस है इधर 35.2 का जो टेम्परेचर बता रहा है, लेकिन मैंने सेट किया हुआ 37 का किया हुआ है। ये मैं आपको दिखाता हूँ, रोशनी पार्टी ने सही तरह से वो क्लियर नहीं हो रहा। 37 पे मैंने सेट किया हुआ है, अभी 35 पे चल रहा है टेम्परेचर ना। इस तरह का कोई मुश्किल काम नहीं है, आप इंक्यूबेटर बना सकते हैं, अंडों से हैचिंग ले सकते हैं। बस इसमें एक दिन में 2 दफ़ा आपको यही करना पड़ना है। ये थर्मोस्टेट है इसका, मैंने रखा हुआ है अंडे के ऊपर। थर्मोस्टेट का ये सेंसर है, इसी से टेम्परेचर का पता चलता है, लो हो रहा है, हाई हो रहा है। पंखा साथ में चल रहा है, 2 बल्ब चल रहे हैं, जैसे टेम्परेचर होता है जो मैंने सेट किया हुआ है उसके बाद ये बल्ब ऑफ हो जाते हैं। पंखा जो है ना 12 वाट का जो लगाया हुआ है, ये कंटिन्यूसली चलता ही रहता है 24 आवर, ये नहीं रुकता, बस बल्ब ने ऑन और ऑफ होना होता है। जो टेम्परेचर सेट किया है वहाँ जाएगा, पंखा चलता रहेगा, बल्ब बंद हो जाएगा, टेम्परेचर जब नीचे आएगा तो क्या होगा, ऑटोमेटिकली बल्ब ऑन हो जाएगा। यही इस डिवाइस का काम है। ये दूसरा जो मैंने थर्मोस्टेट लगाया हुआ है ना, टेम्परेचर कंट्रोल डिवाइस लगाया हुआ है, उसका सेंसर है। 2 मेरे पास पड़े थे, दोनों ही मैंने अलग-अलग लगा दिए। इससे पहले जो मैंने हैचिंग ली है ना बाल्टी वाली, एक जो वीडियो आपने देखी होगी, उसमें सिर्फ एक ही थर्मोस्टेट था, एक ही पंखा था और एक ही बल्ब लगाया हुआ था। ये मेरे पास 2 थे, मैंने कहा चले 2 ही लगा देते हैं। तो उसमें मेरा न्यू चैनल है कसूरी इन्फो के नाम से, यूट्यूब पे सिंपली जाके लिखें कसूरी इन्फो तो चैनल आ जाएगा। 17, 18, 20 वीडियोस हैं, उन वीडियोस को आप देखें, सारों को लाइक करें, इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल को ना सब्सक्राइब करें। मैं इसके लिए इंशाल्लाह वीडियोस अपलोड करता रहूँगा। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू सो वेरी मच एंड अल्लाह हाफिज़।